नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेन्दु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। नव निर्वाचित विधायकों को 23 और 24 नवंबर को दिलाएंगे सदन की सदस्यता की शपथ। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन किया जा रहा है खरना का अनुष्ठान। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 794 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक पटना में 245 मामलों की पुष्टि। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नवगठित सरकार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने आज अपना कार्यभार ग्रहण करने के 3 घंटे के अंदर ही पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा। राज्यपाल फागू चौहान द्वारा मेवालाल चौधरी का इस्तीफा स्वीकार कर लेने के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को अगले आदेश तक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मेवालाल चौधरी के ऊपर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का कुलपति रहते शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों में गड़बड़ी करने का आरोप है। उनके खिलाफ जांच भी की गई थी, जिसमें उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। श्री चौधरी के मंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तथा वाम दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की थी। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मेवालाल चौधरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नव निर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने श्री मांझी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। 74 वर्षीय जीतन राम मांझी विधानसभा में नव निर्वाचित वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। वे गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं। श्री मांझी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नव निर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा की पहली बैठक 23 नवंबर से शुरू हो रही है। इस दौरान सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। 23 और 24 नवंबर को सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि 25 नवंबर को विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव होगा। 26 नवंबर को राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है। छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और शनिवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व सम्पन्न होगा। प्रदेश में कोरोना के असर को देखते हुए इस बार घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अर्घ्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। पटना, औरंगाबाद, दरभंगा और वैशाली समेत 12 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को घाट पर नहीं ले जाने का निर्देश दिया है। इधर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का निर्देश भी दिया। जिला प्रशासन ने छठ को लेकर नियंत्रण कक्ष बनाया है। जिले में 2,500 जवानों को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है और 5 अस्थायी थाने बनाए गए हैं। छठ को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। छठ के मौके पर उपयोग में आने वाली पूजन सामग्री, मिट्टी के चूल्हे, दिए और आम की लकड़ी की खूब बिक्री हो रही है। मौसमी फलों और सब्जियों से भी बाजार पटे हुए हैं। इसके अलावा अलता, गंडा और परता की भी बाजारों में भरमार है। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है। छठ के गीतों से पूरे प्रदेश का वातावरण गुंजायमान है।
बिहार का यह सबसे बड़ा लोक पर्व सामुदायिक और सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी वर्ग के लोग इस पर्व में भाग लेते हैं। छठ में प्रयोग होने वाली चीजों की बिक्री बढ़ने के कारण स्थानीय विक्रेताओं, शिल्पकारों और कुम्हारों के लिए आय के स्रोत और व्यवसाय के अवसर बढ़ते हैं। मौसमी फलों और कंद मूलों को पूजा के दौरान चढ़ाया जाता है, जिसकी खरीद बढ़ने से फेरी वालों और रेहड़ी पटरी वालों के बाजार के हिसाब से भी यह पर्व अच्छा अवसर होता है। बांस से बने सूप और दौरे तथा मिट्टी के चूल्हे तथा दीयों की अच्छी खासी मांग होती है। बिहार में कुछ खास चीजों जैसे परता, अलता, सिंदूर, गंडे तथा मालाओं की भी छठ पर्व के लिए खरीद की जाती है। इसके चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। छठ का पर्व इनके चलते सही मायनों में स्थानीय शिल्पकारों, कलाकारों और उत्पादकों को बढ़ावा देकर वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सिद्ध करने का काम करता है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। कोरोना महामारी के कारण इस बार एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप MyGOV पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय पूल की MBBS सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए दिशा निर्देशों में एक नई श्रेणी शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत कोविड योद्धाओं के आश्रितों को शामिल किया गया है। इनके लिए 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य कोरोना के रोगियों के उपचार में लगे कोविड योद्धाओं के योगदान को सम्मानित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 794 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 245 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 46, भागलपुर में 33 और पश्चिम चंपारण जिले में 31 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.96% हो गई है। अब तक लगभग 2,22,492 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 1,209 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। अब तक 83,83,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं। उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों के 5% से भी कम है। देश में उपचाराधीन मामले कुल संक्रमित मामलों का केवल 4.95% है। इस समय देश में करीब 4,45,303 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कोविड जांच हो रही है। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम लोगों ने कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शन थी उसके पालन में थोड़ी ढिलाई बरत दी। अनलॉकडाउन काफी कुछ खुल गया है, एक स्कूल छोड़ के बाकी सब शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्लस टेस्टिंग भी हमारी उसी तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या वो RT-PCR हो। तो इसकी वजह से लगता ही है कि बहुत ज्यादा केसेस आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम अभी भी सुधर जाते हैं और अपने आप को सहमित कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। सरकार ने बेड का अरेंजमेंट अच्छा खासा कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद यह टीका 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जो शुरुआती दौर में 30 से 35 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आज कार्यक्रम की घोषणा कर दी। यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई है। चुनाव की अधिसूचना 26 नवंबर को जारी की जाएगी, जबकि 3 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 14 दिसंबर को होगा। इसी दिन शाम में वोटों की गिनती की जाएगी। राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 103वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित विभिन्न शिक्षण संस्थान और सरकारी कार्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी के आसार हैं। अगले 24 घंटों तक राज्य के अधिकांश भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा दक्षिण बिहार के झारखंड से सटे जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। कल यानी दिन शुक्रवार के दोपहर से आसमान पूरी तरह साफ हो जाने का पूर्वानुमान है। दिनांक 21/11/2020 की सुबह में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ गंगा के मैदानी इलाकों उसके आसपास हल्की कोहरा देखने को मिल सकती है। इसके तदुपरांत 22 नवंबर से न्यूनतम तापमान में क्रमशः गिरावट शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। उन्होंने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रबंध करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने लोगों से कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाते हुए छठ मनाने की अपील की। इधर कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने गृह क्षेत्र कटिहार पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में लोगों से जो वायदा किया है उसे प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाएगा। समस्तीपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष और जाने माने समाजसेवी राजकुमार साह का उनके पैतृक गांव रतनपुरा में निधन हो गया। वे 50 वर्ष के थे। उनके निधन पर सांसद रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा और अन्य दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। रोहतास के जाने माने समाजसेवी रामायण राय की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। करगहर थाना अंतर्गत कुसही ग्राम में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित और अन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में 27,33,000 से ज्यादा आवेदन पत्र मिले हैं। इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। कुल 14,34,000 से ज्यादा आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई और करीब 7,88,000 लोगों को कर्ज बांटे गए। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट गए रेहड़ी पटरी वाले इस कर्ज के पात्र हैं। कर्ज लेने के लिए किसी भी सेवा केंद्र, नगर निगम कार्यालय या बैंक में आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद लोगों के घरों पर बैंक खुद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि एक वक्त था जब रेहड़ी पटरी वाले बैंक तक नहीं जा पाते थे, लेकिन आज बैंक उनके घर जा रहे हैं। यह सरकार के कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण संभव हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा के प्रो टीम स्पीकर बने। नवनिर्वाचित विधायकों को 23 और 24 नवंबर को दिलाएंगे सदन की सदस्यता की शपथ। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन किया जा रहा है खरना का अनुष्ठान। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 794 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक पटना में 245 मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।